are lying. Lying. This is it. कोई बदलने वाले हैं Yes, all the men,
विवेक सब सुन सुन के पूरा एकदम आत्मतृप्त हो गया। कुछ सुनने बाकी है अभी। कृष्ण भगवान पूरा अठारह गीता बोलते बोलते लास्ट में बोल रहे अर्जुन अभी क्या सब समझ गया, अभी आपका ज्ञान पक्का हो गया, अभी क्या युद्ध करोगे? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोह श्रुति लब्ध्वा तत् प्रसादात् मया चिरं स्थितोऽस्मि गत संदेह कविष्य वचनं तव। तो आप लोग से कितना बोलिए इसका संदेह दूर हो गया, हाथ उठाए पक्का। फिर पूछो प्रश्न किस कितना का संदेह उतना दूर हो गया, बस एक ही आदमी से दो तीन देखिए प्रश्न तो है एक बार उठा दिया था दोबारा नहीं देवकस चंद्र तमोहंते नक्षतारगुणम। तो अभी देखिए इतना सुनते सुनते अभी जैसे कुछ आपको कुछ पूछेंगे बोलते हैं जीव अलग है ब्रह्म अलग है दुनिया अलग है, ये सब अलग है क्या? जीव अलग ब्रह्म अलग संसार अलग या सब एक ही है क्या? एक ही है। ये आपका मुंह से बात आ रहा है दिल से बात आ रहा है दिल से आ रहा है तो हम खाने से आपको भी मुंह खुद बैठेगा एक ही बैठे ना हम खाओ तो आपको एक ही है ना यहाँ मन शांत हो जाता है नहीं हमको खुलने से बिल्कुल खाओगा। ये सब व्यवहार है क्या लाला के पंडवा है क्या लाला के क्या अनुभव तो नहीं किया। अनुभव जब तक नहीं है तब तक चलते रहना चाहिए। तो एक तोता वो खुद बोल रहा है घट घट में पंछी बोलता बोलता घट घट में पंछी बोलता आप ही डंडी आप तराजू आप ही डंडी आप तराजू आप ही बैठा तोलता घट घट में पंछी बोलता बोलता घट घट में पंछी आप ही मालिक आप बगीचा आप ही मालिक आप बगीचा आप ही कलियां तोलता घट घट में पंछी बोलता बोलता घट घट में पंछी पक्षी कौन है अंतरात्मन घट कौन है एक शरीर शरीर सबका अलग है लेकिन जो अंतर रहता है जो प्राण है आत्मा है जीव है जो बोलते हैं वो सबका अंतर एक ही है। वो बोलता है कि जो डंडी है वही तराजू है वही तोलता है जो बोलता है वही सुनता है वही सुनता है। कैसे हम तो बोल रहे आप सुनने कैसे एक हो गए बस जो मेरे अंदर बोलने की शक्ति दे रहा है वही आपका अंदर सुनने का शक्ति दे रहा है जो मेरे अंदर देखने की शक्ति दे रहा है वही आपके अंदर बैठने का शक्ति सुनने का शक्ति दे रहा है। तो शरीर के माध्यम से हम सबको ही अलग है लेकिन आत्मा रूप से एक है तो हम एक ही अलग है एक है लेकिन हम लोग का ये अनुभव नहीं आता है ये बड़े हैं ये छोटे हैं हम लोबा है पतला है इसी से ये संसार है। और जब तक ये भेदभाव रहता है तब तक
चाहे हम सन्यास हुए महाराज हुए महामंडल हुए गवर्नर हुए हम एक इंटरव्यू करके स्टूडेंट की हिस्ट्री चल रही है और जिस दिन बोध हो गया कि जीव ब्रह्म न अपरा जीव ही ब्रह्म है ब्रह्म ही जीव रूप में हम यहां लिखे पढ़ रहे हैं उसी दिन आप चाहे छोटे हो बड़े हो कहीं भी हो कि सफल हो आप पहुंचिए ठीक है ना अहम आत्मा बुढ़ा वैसा सर्वभूत सहस्थित अहम आदिश मध्यम च भूतानां अंत एव च कौन बोल रहे हैं स्वयं भगवान बोल रहे हैं भगवान और आत्मा में क्या अंतर है ईश्वर गुरु आत्मा ये अलग अलग नहीं ये अलग अलग नाम हो सकता है लेकिन एक ही तत्व है तो हमको हम सबको इसको सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन जितना हम गहरा मनन नहीं करेंगे उसको हम लोग का जीवन में ट्रांसलेट नहीं करेंगे हम लोग जो सुने हैं तब तक वो एक बॉर्डर होकर रहेगा हम लोग तो अभी चल रहे जो भगवान का साथ रहे जो पांडव जो बड़े बड़े महाराज हो महाभारत युद्ध हो गया कृष्ण भगवान का सहारा में सबको जीते बिट्टी प्राप्त हुआ लेकिन जब पूछा गया है भीम बोलते हैं मेरे लिए सब जीते अर्जुन बोल रहा है अगर हम नहीं होते कौन मारता कर्ण को कर्ण नहीं मरते तो दुर्योधन छत्र खत्म भी नहीं होता सबको अपना अपना बाल पुरुष दिखा रहे लेकिन भगवान को पता था इसी कुछ होने वाला है वो पहले से व्यास देव को बोल के थे और जो सुनिए थे घट जो बलवरी जो भीम का लड़का था उनका सिर काट करके एक बहुत टॉप मोस्ट माउंटेन रखे थे कि आप देखो क्या क्या हो रहा है सब कोई उनको पूछने के कि आप बताओ कि इसके लिए आप युद्ध जीते वो क्या बोल रहे हैं घटोत्कच का घटोत्कच का लड़का बलवरी तो उनको कोई मेरा सुन होते कि बार बार बोलते ना देखिए कि वो भरोस करता है तो उनको कुछ आप बताओ कि किसके लिए युद्ध जीते बोले कि हमको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था सब कोई हाथ हिला देते थे पांव हिला देते लेकिन एक चक्र सबका काट दिया तो करने करने वाले वही तुम्हारा काज पूरी करो हां लोकी लोकी करी हम सकल तुम्हारी इच्छा तुम्हारा कार्य तुम्हें करो हैं लेकिन हम बोलते हैं कि तब आते हैं फिर को भूल जाते इसलिए हर समय जैसे गुरु महाराज का उनको देखना ही साधना है उनको सुनना ही साधना है हमको एक पर्टिकुलर बात कई स्वामी जी बोले ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो हम करना चाहता था लेकिन चाह रहा लेकिन नहीं कर पा गुरु महाराज जी बोले यू मस्ट डू दिस आप नहीं करना चाहते भी कर हो जाते क्यों क्योंकि विभूष आदमी जो जानता है जो सुन रहा है जो पढ़ा है वही बोलता है लेकिन गुरु महाराज जो बड़े बड़े महापुरुष से वो दे स्पीक व्हाट दे आर और जो भी वही बोलते हैं तो इसीलिए हम लोग आज चार पांच दिन से सुन रहे हैं कितना आप तो चार पांच दिन कितना सत्संग सत्संग हुआ यहाँ से कितना कितना सत्संग हम लोग करके आए सब कुछ सुन रहे सुनने का एसेंस क्या है एक दिन गुरु महाराज का मुंह से सुने थे श्री मुख से रामकृष्ण परमहंस का जो 16 मोनेस्टिक डिसिपल थे एक डिसिपल था जो कि टोटल ऑलरेडेड था अद्भुत जी लाटू महाराज तो उनका बारे में स्वामी बोल रहे थे बोले कि उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था
वो बोलते कि जो दिखाई पड़ रहा है जो नाम रूप शरीर जो दिखाई पड़ रहा है वो झूठा है परमानेंट नहीं है हर समय चेंज होता है भगवान ही एक सच है जीवन का अंतिम समय से पहले वहां पहुंचता है चाहे आप कुछ भी करो अगर भगवान के लिए अपने खुद के लिए कुछ समझ नहीं निकाल रहे जब नहीं कर रहे ध्यान नहीं कर रहे चिंतन नहीं कर रहे तो सब कुछ करना करके भी कुछ नहीं कर रहे इसलिए गुरुवार हम सबको हर समय जब भी टाइम मिलता था और वो ही बोलते देखो कभी नहीं बोलना कि क्यों ना छोड़ा है तो हम लोग एक लिए जो सन्यास लिए वो घर छोड़ रहे हम सबको ही घर छोड़ के आए घर छोड़े के यार गत्वा न दिवा गलते तर धावा पर वही हम लोग सच्चा धावे भगवान का चरण श्री चरण भगवान चरण वही सच्चा धावे वहां से हम पिछड़ के आए हैं हम उनका जो आशा दुष्टा को फुलफिल करने के लिए भगवान आपको एक शरीर दिया है आपको ऐसे शरीर से तो आप ऐसे शरीर का तो हम लोग एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे जो भी किए हैं उसको सब वाइंड अप करके दूसरा कुछ नया संस्कार नया कर्म शुरू नहीं करके उस धाम में पहुंचता है जितना जल्दी जो कल करना सो आज कर ले जो आज करना सो आज कर ले स्पिरिचुअल पाथ में आध्यात्मिक पाथ में काल का कोई महत्व तो नहीं है जो करना है आज करना है तो अभी हम लोग एक ही महापुरुष को ले लीजिए
साधारण ही जीवन है। और देखिए सीमा के द्वारा सूचना में जो भी जितना भ्रमण शब्द हो गए उनके लिए इस पर्टिकुलर टाइम में साधना करना ये साधना करना वो साधना करना उससे कुछ नहीं था। जिस गुरुदेव सरस्वती के द्वारा बोले कि I'm not satisfied with two hours of power of medicine in the morning, meditation or some sadhana in the evening or midday, every time should be sadhana. Har samay sadhana ka samay hona chahiye. Sahaj samadhi se bolte hain. Jo bhi kar rahe hain samadhi us sthiti mein rahe hain kar rahe hain. Isse nahi ki hum jab kar rahe hain bas hum log hamare sabar ke jab se aage hum alag jab aate hain. हम लोग को टू आवर्स से साधन नहीं करना चाहिए। तो मन में जब जितना दृढ़ संकल्प हो जाए कि हम मरेंगे नहीं तो पहुंचेंगे, जब दृढ़ संकल्प लेके चलेंगे कष्ट आएगा लेकिन कष्ट हमको हम लोग का डायरेक्शन से डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। तो समझ मेरे एक घंटा था आधा घंटा हुआ है एक घंटा ये वो बोलते हैं ना 24 घंटा आपका है 24 घंटा सबके लिए बराबर दिया है। तो अभी वो बोलते हैं ना एक ड्रामा में कोई अच्छा डाकिंग कर रहे हैं सब कुछ चले गए एक आगे बैठा है देखो कितना भाव है आपका सुन रहे हैं वो बोले कि जल्दी जाओ मैं आपका दही लेके जाऊंगा तरीका बैठे साधा कर। तो ठीक है अभी जो बड़े बड़े आगे कर रहे हैं हम लोग फॉलो करना चाहिए ना ये जो आचार्य सिस्टम तब तो देवे एक रह जाना जो बड़े बड़े टाइम लेते हैं तो हम भी टाइम लेते हैं दो मिनट लग जाते हैं। तो अभी सबको ही सीरियस है आधा घंटा ले लो मैं सुनूंगा नहीं आपके पास नहीं मैंने समझ बात बात है तो अभी मैं बड़ा नहीं हूँ अभी आप लोग हंसना ज्यादा कुछ चाहते हैं तो अभी गुरु महाराज के बाद कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए आप जितना भी सुने हैं शायद आप भूल जाएंगे लेकिन अभी जो दो इंसिडेंट बताऊंगा उसको कभी नहीं भूलेंगे अब वो आपको दिल में बहुत आनंद देगा। एक दिन स्वामी जी बैठे हैं समाधि मंदिर में एक माता जी समाधि मंदिर में जो आरती होते हैं आरती के बाद सबको ये समझ कर कमेंट करके सुनते हैं। तो एक माता जी को समझ बात कर रहे थे और एक माता जी बैठे हैं कोने में वो स्वामी का दर्शन कर रहे एक घंटा हो गया स्वामी जी का टाइम हो गया स्वामी उठे उठने का टाइम बोलता कि स्वामी जी तो आपके दर्शन करना था स्वामी जी बोले अच्छा अच्छा दर्शन करना था ठीक ऐसे स्वामी उठ गए अभी दर्शन करो अभी बोले आगे दर्शन करो। तो क्या है जो आदमी लोग वो लोग अपना हाफ कॉन्शियस में रहते हैं सामने को आधा घंटा दर्शन कर रहे लेकिन उनके लिए दर्शन का मतलब क्या है वो खुद बात करना है। और एक दिन क्या हुआ एक्चुअली स्वामी जी प्रेस प्रेस से सेवा का मौका मिला था तो प्रेस के डिवाइडर में कुछ आदमी मिले कि स्वामी जी हमको बुलाते थे कुछ डिटेल्स देने के लिए डिटेल्स कभी कभी एक घंटा दो घंटा होता था कभी रात को 12:30 बजे कभी एक बजे स्वामी का टाइम होता है। एक दिन स्वामी हमको टिकट दे दिए तो उस समय क्लोज मिलते हैं मतलब स्वामी बैठे ना बैठे आप बैठे उस समय हम लोग का प्लेस में कोई बहुत क्वालिफाइड लड़का था बहुत क्वालिफाइड जेएनयू का स्टूडेंट था वो हंसते हुए बोलता था ऐ जिधर से क्या पता है वो 1938 के अभी है हमको कुछ ना कुछ सीरीज का बात वो 1913 का बीए है हमको कुछ हो तो हम ऐसे ऐसे कैजुअली समझो बोल दिए समझो ऐसे बोलते हैं समझ खाली कर
साइलेंट है। कुछ देर बाद हमें जो डिक्टेशन दे रहे हैं, डिक्टेशन हम उसको समझ नहीं पाए, तो हमको साउंडिंग बोले स्वामी जी सब्जेक्ट हमारे बीच का मीनिंग क्या है, यू सी आई मीन 38 बियर यू आस्क टू द पर्सन यू विल डू। ये बात क्या है ना, देखिए अगर आपको कोई बोलता इतना गुस्सा होता है क्या क्या सोच रहे मेरे बारे में, लेकिन जो जितना बड़ा होता है वो खुद को इतने छोटा बनाता है। हां पर कुछ आप सिंधरा सिंधरा का बोलते हैं कि जो फल जो पेड़ ना और जो पेड़ ज्यादा फल में भर जाते हैं अपने आप छूट जाते हैं। हां तो गुरु महाराज इतना बड़ा हो के भी ऐसे भगवान रहते हैं जैसे कि हम सिंपलेस्ट हैं। और एक बात है नम्रता के ऊपर बात बता सब सबको ये समझ ही बताते हैं कि कितना हम्बुल है गुरु महाराज। हमने हमले से लोग हम लोग चतुर महावर बोले हैं तुड़ा कभी सुनी चेना तरो कभी सहिष्णुना अमानीना माननीय कीर्तनीय सदा हरि। तुड़ा कभी सुनी चेना तुड़ा मतलब जो ब्लैक ग्रास होता है उससे भी हम्बुल होना चाहिए और स्वामी जी उससे भी हम्बुल है। कैसे स्वामी जी एक अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंट से नहीं जितना भी रिलीजन है रिलीजन के हेड भी स्वामी जी देखे के से चुका है। एक दिन स्वामी जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्वामी जी गाड़ी बाहर खड़े हैं, स्वामी जी थोड़ा लेट आते हैं दोस्तों लेट निकलते हैं तो स्वामी जी को हल्का बैठ ही जाना चाहिए हल्का बैठ जाए तेल पकड़ने के लिए। स्वामी जी ऊपर बोले देखो हमको लेट हो गया हम तुरंत जाके वहां बैठूंगा और कोई हमको रास्ता में नहीं मिलना चाहिए। तो जब स्वामी जी तो हम आकर देख लिए कि कोई नीचे नहीं है लेकिन और भी स्वामी स्वामी के साथ आ रहे। स्वामी जी हम लोग मतलब गुरुदास को अंदर जाने से पहले तीन ब्रह्मचारी हाई क्लास में वो लोग साइड में से उनको सोसाइटी का बना है वहां सुनकर बैठे कि स्वामी आते दर्शन करेंगे। स्वामी जी सीधा जब ऊपर आए स्वामी जी आने से किसी को बोला नहीं पड़ा कोई आए वो कब वाइब्रेशन खींच रहा है कोई जैसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आ रहा है। तो स्वामी जब आए वो तीनों आकर के पूरे ने से नील डाउन होके प्रणाम करने जा रहे हैं। स्वामी जी के आके ऐसे घूम गए मतलब वो लोग ऐसे नील डाउन होने का टाइम वो देख लिए कि स्वामी जी ऐसे घूम गए उधर उड़ गए उल्टे ऐसे ऐसे करने का टाइम स्वामी जी पूरा नील डाउन हो गए पूरा ऐसे नील डाउन होके प्रणाम किया प्रणाम करके बोले कि इसके पास कुछ प्रसाद है क्या वो उस दबाज था दिखा दिए वो बोले कि लेट हो गया हूँ हमको मतलब कोई भी साधु किसको प्रणाम करते हो चुप के खड़ा हो जैसे कि हम लोग बहुत बड़े हैं प्रणाम करो जिसको देवता भी प्रणाम करते हैं जीवन पुरुष को देवता लोग भी प्रणाम करते हैं वो खुद झुक करके जो ब्रह्मचारी जो कि मतलब जस्ट न्यूफाइड से जैसे स्पिरिचुअल बात पे उनको एकदम कर सीन लगा करके तो ये है मर्यादा का एक सीमा पर प्रभु रामचंद्र जी का मर्यादा यही है। हम लोग का रामचंद्र जी गुरु महाराज है गुरु महाराज का जो वाणी है वो सबकी सफिशिएंट है हम लोग जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए। आइए हम लोग अपने संकल्प लेंगे कि गुरु का प्राण होकर के गुरु के लिए जिएंगे हाँ गुरु को खुश करने के लिए हम लोग का जीवन का रास्ता रथ चलाएंगे। सत्य भगवान की जय थोड़ा देर हो जाएगा समझ लेंगे सत्य भगवान की जय तो मैं नहीं हूँ मेरा समय ले लिया बोल रहे